नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक नई वीडियो, डेल वोस्ट्रो 5410 के फुल रिव्यू से रिलेटेड। ये लैपटॉप का हमने अनबॉक्सिंग वीडियो डाला था ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन पहले, और ये लैपटॉप मेरे पास 29th को आया था, और ऑलमोस्ट मेरे को एक हफ्ता हो गया इस लैपटॉप को एक्सटेंसिवली यूज़ करते हुए। तो बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी, तो उसके लिए हम एक फुल रिव्यू की वीडियो लेके आए हैं आप सभी लोगों के लिए। तो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक खास ऑफर भी है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि हमने इस वीडियो के एंड में एक टिप शेयर की हुई है, जिससे अगर आप कोई भी डेल का प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाह रहे हैं, स्पेशली अगर लैपटॉप, तो आपको हम लोगों की तरफ से मिलेगा एक एक्स्ट्रा ₹1000 का कैशबैक। तो वो कैसे मिलेगा, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक रुकना पड़ेगा, और उसके बाद हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कि कैसे आप वो रिवॉर्ड जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए फिर डेल वोस्ट्रो 5410 का फुल रिव्यू शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा है तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं उसका लिंक जो है वो ऊपर आई बटन में डाल दूंगा। बट अगर नहीं भी देखा है तो इट्स फाइन, अगर आपको सिर्फ रिव्यू जानने में इंटरेस्ट है तो यू कैन कंटिन्यू विद दिस वीडियो। मेरे पास डेल का जो वॉस्ट्रो आया है, मैंने ऑर्डर किया था मॉडल जो टॉप नॉच मॉडल है इसका, i7 कॉन्फ़िगरेशन, i7 11th जनरेशन कॉन्फ़िगरेशन, विंडोज 10 होम, एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड विद 2 GB 16 GB DDR4 रैम, 512 SSD हार्ड ड्राइव। और तो जो जो इसका हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो मैंने ऑर्डर किया, और वो मेरे पास अभी है। और इसके बारे में जो भी मेरा थॉट है, जो भी मेरे को इसके प्रोज लगे, जो भी कॉन्स लगे, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो ये वीडियो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रोज कॉन्स और फाइनल वर्डिक्ट, जिसके अंदर साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप एक्स्ट्रा यू नो कैशबैक क्लेम कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम जो भी आपको डेल की वेबसाइट पे मिल रहा है कोई भी बैंक ऑफर, उसके अलावा एक्स्ट्रा ₹1000 कैशबैक आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस लैपटॉप के प्रोज के बारे में बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला प्रो जो है वो इस लैपटॉप का, वो है इसकी परफॉर्मेंस। तो अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस इसकी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। मेरे पास इससे पहले एक i5 डेल का ही लैपटॉप था, जो कि i5 8th जनरेशन 16 GB DDR3 और 1 TB HDD की कॉन्फ़िगरेशन के साथ था। तो उसके अंदर मैं बहुत हैवी सॉफ्टवेयर्स यूज़ करता था, जो कि i5 8th जनरेशन 16 GB रैम होने के बावजूद भी उसमें लैग आते थे। बट वो सेम सॉफ्टवेयर्स मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ ऑलमोस्ट एक हफ्ते से, और बहुत हैवी हैवी कॉन्फ़िगरेशन में भी यूज़ करने के बाद वो सॉफ्टवेयर्स बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एक पावर पैक्ड लैपटॉप है। वैसे भी i7 11th जनरेशन इज़ द लेटेस्ट, सो आपको परफॉर्मेंस वाइज इसमें कोई भी इशू फील नहीं होगा। प्लस DDR4 रैम और साथ में SSD हार्ड ड्राइव, तो ये सब बहुत इजी कर देते हैं परफॉर्मेंस को फास्ट ट्रैक करने के। SSD जो है वो उससे उसकी वजह से आपका रीड एंड राइट हार्ड ड्राइव पे बहुत फास्ट होता है। DDR4 इज़ ऑब्वियसली एन अपग्रेड ओवर DDR3, तो रैम मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छे से है, रैम एलोकेशन बहुत अच्छे से होता है। एंड i7 इज अ मच मच स्ट्रॉन्गर प्रोसेसर। आई नो अभी i9 भी रिलीज हो गया, बट इट इज वेरी कॉस्टली, और अभी आई डोंट थिंक कि इंडिया में कोई भी एक कॉमन यूज के हिसाब से i9 परचेज करना चाहेगा। तो i7 इज अ गुड डील, और इट्स इट्स वेरी वेरी रिच विद विद द परफॉर्मेंस, आई वुड से। सेकेंड प्रो जो मेरे को इसका लगा वो है इसकी डिस्प्ले क्वालिटी। दिस डिवाइस इट कम्स विद अ फुल HD डिस्प्ले। फुल HD डिस्प्ले आता है 1920x1080 डिस्प्ले के साथ आता है। तो यानी जो आप YouTube पे 1080p के जो वीडियोस देखते हैं वो आप अच्छी क्वालिटी में देख पाएंगे। और मैं आपको जल्दी से एक सैम्पल दिखाना चाहूँगा इसकी वीडियो क्वालिटी का, जिससे आपको थोड़ा सा बेटर आइडिया लगेगा कि ये कैसा कितना रिच है वीडियो वाइज। आपको इसमें साथ में साउंड क्वालिटी भी पता चल जाएगी, बट वो मैं अलग से भी दिखा दूंगा आपको, बट आप देख सकते हैं बहुत बहुत ही क्लियर कलर्स और विजुअल बहुत बहुत अच्छा है। डिस्प्ले इसका मेरे हिसाब से दी बेस्ट है, एटलीस्ट इस प्राइस सेगमेंट में।
तो आप लोगों को अभी तक आइडिया लग चुका होगा कि कितना वीडियो क्वालिटी कितना अच्छा है इसका। प्लस बिकॉज बेजल्स नहीं है, जैसे मैंने अनबॉक्सिंग में भी बात करी थी, बेजल्स नहीं है तो वो एक और अच्छा फील देते हैं। कोई भी अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पज से भी कुछ देख रहे हैं, कोई मूवी टीवी सीरीज कुछ भी अगर देख रहे हैं, तो वो बहुत बहुत क्लियर और बहुत क्लीन दिखता है। तो वो एक बहुत अच्छा पार्ट है इसका। और डिस्प्ले के साथ साथ मैं साथ में बात करना चाहूँगा ऑडियो क्वालिटी की भी। तो आपने ऑडियो क्वालिटी सुन ली होगी वैसे, बट अगर मैं स्पेसिफिकली आपको ऑडियो क्वालिटी इसकी सुनाना चाहूँ, तो ये बहुत बहुत अच्छा इसका ऑडियो है। मैं आपको एक आधा कोई गाना सुनाना चाहूँगा जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। जैसे कि मैंने बात करी थी, इसके जो स्पीकर्स जो है वो यहाँ पे है बेस पे, बट ये हिंज की वजह से ये काफी ऊपर रहते हैं बेस। आई थिंक आपको ऑडियो क्वालिटी का भी आइडिया लग चुका होगा कि कितनी अच्छी ऑडियो क्वालिटी है इसकी। और उसके अलावा अब मैं अगर तीसरे प्रो पे आना चाहूँ इसके, तो तीसरा प्रो है इसके जो भी पोर्ट्स हैं वो इसका तीसरा प्रो है मेरे हिसाब से। तो हमने सेम अनबॉक्सिंग में भी बात करी थी कि इसके अंदर ऑलमोस्ट सभी पोर्ट्स हैं, HDMI, चार्जर, USB, थंडरबोल्ट एंड देन RJ45, USB, SD कार्ड रीडर, यू नो लॉकिंग, ये 3.5 mm ऑडियो जैक। तो सभी सभी इसके अंदर पोर्ट्स हैं। यूजुअली आजकल ऐसा है कि बहुत सारे लैपटॉप्स के अंदर, बहुत सारे हाई एंड लैपटॉप्स के अंदर बहुत कॉमन कॉमन से पोर्ट्स मिसिंग है, जैसे RJ45 जो इथरनेट का, जो लैन का जो पोर्ट रहता है वो बहुत कम लैपटॉप्स में आजकल मिलता है। तो इट्स अ गुड थिंग कि अगर आपको कभी लैन यूज़ करना हो कहीं पे भी, कॉलेजेस में, स्कूल में, या फिर यू नो इवन इवन एट वर्क प्लेस कहीं पे भी, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, वो पोर्ट होने चाहिए। तो आई थिंक दैट्स अनदर प्रो विद दिस लैपटॉप। चौथे प्रो की अगर मैं बात करूँ, तो चौथा प्रो है इसका सुपर फास्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर। हमने बात करी थी अनबॉक्सिंग में कि वी हैव अ फिंगरप्रिंट विद दिस लैपटॉप हियर, और इट्स नॉट जस्ट अ फिंगरप्रिंट, इट्स सुपर फास्ट फिंगरप्रिंट आई वुड से, क्योंकि ये 1 सेकेंड से भी कम के अंदर लैपटॉप अनलॉक कर देता है। मैं आपको अभी क्विकली एक डेमो दिखा सकता हूँ। तो ये हमारे पास हमारा लैपटॉप, ये जो है ये स्लीप मोड, ये उसमें लॉग ऑफ मोड पे है। अभी मैं इसको टैप करूँगा, 3, 2, 1। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1 सेकेंड भी नहीं लगा इसको अनलॉक होने के अंदर। मैं आपको वापस दिखाना चाहूंगा, एक और ट्राई कर लेते हैं। सी, 3, 2, 1। सी, सो इट जस्ट ओपन्स इन इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। आपको कभी भी अब पासवर्ड या फिर पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट्स लाइटनिंग फास्ट। ये हो गया हमारा चौथा प्रो। फिफ्थ प्रो की अगर मैं बात करूँ, तो वो है इसका कीपैड एंड इसका माउस ट्रैक पैड। तो माउस ट्रैक पैड जो है वो मेरे को इसकी सबसे खास बात लगी है, क्योंकि वो बहुत बहुत साइज में बहुत बड़ा है। जस्ट लाइक जैसे मैकबुक में रहता है, काफ़ी बड़ा साइज़ है, तो यू कैन ईजिली यू नो रोल थ्रू आपके जहाँ पे भी आपको कंटेंट में जैसे भी जाना है। तो इट्स अ वेरी गुड माउस ट्रैक पैड। एंड ऑल्सो कीबोर्ड्स की जैसे हमने लास्ट बात करी थी, जो कीज़ हैं दे आर वेल स्पेस्ड, तो इट एक्चुअली मेक्स टाइपिंग मच मच ईजियर। तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रो विद दिस लैपटॉप। सिक्स्थ प्रो जो है वो मैं कहना चाहूँगा इसकी लुक्स एंड फील्स है डेफिनेटली। जब हम बिजनेस लैपटॉप की बात करते हैं, तो यूजुअली हमको लुक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बिकॉज दे आर पावर पैक्ड लैपटॉप्स, राइट? तो बट विद दिस लैपटॉप इवन यू गेट गुड लुक्स। हमने अनबॉक्सिंग में भी डिस्कस करी थी ये बात। तो लुक्स वाइज भी ये लैपटॉप बहुत बहुत अच्छा है, बहुत स्लीक है और बहुत ही स्टर्डी है, बहुत लाइट भी है एक्चुअली।
और बेजल्स मैंने आपको दिखा दी थी कि वो बहुत थिन है, तो लाइट है, थिन है, बेजललेस है, मेटालिक मेटालिक लुक है, तो आई थिंक इट्स इट्स अ विन विन सिचुएशन ऑलमोस्ट। अगर इसका वेट पता नहीं, मैंने वे किया नहीं है, वेबसाइट पे लिखा हुआ है इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1.4 kgs और समथिंग, बट आई थिंक ये ऑलमोस्ट उतना ही है। आई थिंक हम एक क्विकली देख सकते हैं कि इसका वेट कितना है, मैंने ऑनेस्टली अभी चेक किया नहीं है, बट मैंने सोचा कि शायद हम देख सकते हैं फटाफट कि ये कितने वेट का, कितने केजीज का है। सी, सो इट्स जस्ट 1.4 kgs, 1 kg और 450 grams के आसपास है इसका वेट, जो कि बहुत लाइट कंसिडर करा जाएगा। और फील भी होता है, इट्स नॉट लाइक कि वो हैवी फील हो रहा है, क्योंकि कॉम्पैक्ट है, तो वो वेट जो है वो फील भी हो रहा है कि ये बहुत बहुत कम कम वेट का है। और अभी अगर मैं इसके लास्ट प्रो की बात करूं तो वो है इसका इनबिल्ट सॉफ्टवेयर। तो व्हेन यू आर परचेजिंग दिस लैपटॉप, यू यू हैव एन ऑप्शन टू गेट एन इनबिल्ट सॉफ्टवेयर लाइक ऑफिस 2019 एंड मैकेफे एंटीवायरस। सो ऑफिस 2019 आपको एक लाइसेंस लाइफ टाइम के लिए मिलता है, वन पीसी लाइसेंस इस लैपटॉप के साथ फ्री में। तो उसके अंदर इंक्लूडेड रहता है वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल एंड वन नोट। सिर्फ ये चार चीज़ें रहेगी, एक्सेस, आउटलुक ये सब नहीं रहेगा, क्योंकि दैट इज़ अ स्टूडेंट ऑफिस 2019 वर्जन। एंड साथ में आपको मिलता है मैक कैफे का एंटीवायरस 15 मंथ्स के लिए। उसको चाहो तो आप एक्स्ट्रा पे करके 36 मंथ्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं, बट 15 मंथ्स के लिए फ्री मिलता है, तो दैट इज़ अ रियली गुड थिंग आई फील। क्योंकि ये दोनों मैक कैफे, अगर आप स्टिल अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हो, ऑफिस इज समथिंग जो कि आप डेफिनेटली यूज़ करोगे एट वन पॉइंट इन टाइम कहीं, तो वो फ्री होना आई थिंक इट्स इट्स वेरी हेल्पफुल, क्योंकि वो आपको अलग से फिर खरीदना नहीं पड़ता। तो ये बात हो गई प्रोज की, अब मैं आना चाहूंगा इसके कॉन्स पे। तो सबसे पहला कॉन जो मेरे पास है इस लैपटॉप के लिए, प्रोबेबली निटपिक कर रहा हूं मैं या क्या है मुझे नहीं पता, बट इसका जो बैटरी बैकअप है वो मुझे अप टू द मार्क नहीं लगा फॉर सम रीजन। मैंने जितना भी पढ़ा था, जो भी मैंने रिसर्च करी थी लेने से पहले, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बैटरी बैकअप इसका रहेगा ऑलमोस्ट 8 आवर्स के आसपास कुछ तो, बट 7 दिन से मैं अग्रेसिवली यूज़ कर रहा हूँ ये लैपटॉप, और मुझे मैक्सिमम बैटरी बैकअप फुल चार्ज पे अभी तक मिला है सिर्फ 5.5 आवर्स। तो ये लैपटॉप जो है ये मुझे ऑन एन एवरेज 4.5 आवर्स से लेके 5.5 आवर्स तक का बैटरी बैकअप दे रहा है। अगर नॉर्मल नॉर्मल सिचुएशन में यूज़ करा जाता है तो इट गिव्स यू अ बैटरी बैकअप ऑफ 5.5 आवर्स, और अग्रेसिवली अगर यूज़ करते हैं तो सिर्फ 4.5 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है, जो मेरे लिए आई वॉज थिंकिंग कि थोड़ा सा बेटर रहेगा, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक डाउन साइड है। मेरे पास एक बैटरी रिपोर्ट भी है जो मैंने आज ही जनरेट करी है इस लैपटॉप के लिए, तो वो मैं आपको क्विकली दिखाना चाहूँगा। तो ये अगर आप यूसेज हिस्ट्री, अगर आप कैपेसिटी, राइट, या तो अगर आप बैटरी लाइफ एस्टिमेट्स अगर देखेंगे तो एट फुल चार्ज एक्टिव मोड पे इसने मुझे 31 को 4.5 घंटे का ऑन टाइम दिया है। द नेक्स्ट डे 4.5 आवर्स, नेक्स्ट डे ये 5.6, ये सबसे ज़्यादा बैटरी बैकअप मुझे मिला है इस दिन। बट इस दिन क्योंकि मैं बहुत लाइटली यूज़ कर रहा था, सिर्फ आई थिंक कुछ वीडियोस देख रहा था, नथिंग मच, एंड देन नेक्स्ट डे अगेन समवेयर अराउंड 5 आवर्स। तो ये बैटरी बैकअप जो है वो ऑलमोस्ट 4.5 आवर्स से 5.5 आवर्स है ऑन एन एवरेज, जो कि मुझे लगा थोड़ा सा रिलेटिवली कम है, मे बी बिकॉज ऑफ माई एक्सपेक्टेशन जो कि ज़्यादा थी। और सेकेंड थिंग इज कि ये बैटरी को आपको 0 से 100% फुल चार्ज साइकिल के लिए इट टेक्स ऑलमोस्ट 2 आवर्स, 2 घंटे लगते हैं इसको 0 से 100% चार्ज होने में। सो दैट इज डेफिनेटली अ कॉन दैट आई फील कि इतना कि बहुत स्लो चार्जिंग है बेसिकली बैटरी की, एंड देन बैटरी बैकअप इज जस्ट यू नो ऑन एन एवरेज 5 आवर्स का बैटरी बैकअप। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट के लिए हमसे बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि क्या इस लैपटॉप में हीटिंग इश्यूज हैं। तो टू बी ऑनेस्ट विद यू, अगेन हो सकता है कि ये भी नेट पिकिंग हो, बट आई फेल्ट कि थोड़ा सा हीटिंग इश्यू है इस लैपटॉप में। इश्यू नहीं है, बट एक्चुअली व्हाट हैपन्स इज कि इसकी मेटालिक बॉडी है, राइट? तो व्हाट हैपन्स इज मेटालिक बॉडी का ये कॉन होता है कि अगर लैपटॉप या फिर मोबाइल भी अगर अपने देखें, तो अगर थोड़ा सा भी हीटअप होता है तो वो फील होता है ऊपर की बॉडी पे भी, थोड़ा
थोड़ा ज़्यादा फील होता है, बिकॉज मेटल होता है वो कंडक्ट करता है हीट, तो वो ज़्यादा फील होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आपने प्लास्टिक बॉडी का लैपटॉप या प्लास्टिक बॉडी के मोबाइल अगर आप यूज़ करते हो तो वो एक चीज़ मुझे लगी कि ज़्यादा हीट नहीं होता है, इट्स नॉट लाइक कि बहुत हीट होता है, बट द थिंग इज़ कि डिसेंट भी अगर हीट होता है तो बिकॉज ऑफ द मेटल बॉडी वो आपको फील ज़्यादा होता है. तो दैट इज़ वन कॉन. सेकेंड थिंग विद दिस इज़ कि इसके जो वेंट्स हैं वो नीचे की तरफ है, तो ये हमने अनबॉक्सिंग में भी बात करी थी कि वेंट्स जो है इसके कूलिंग वेंट्स जो है वो नीचे की तरफ है. तो अगर आप इसको प्लेन सरफेस पे नहीं रखते, जैसे अगर आप बेड पे रखते हैं या फिर कहीं पे भी रखते हैं, तो ये ब्लॉक हो जाएगा और आपका लैपटॉप बहुत ईजीली गर्म हो जाएगा. तो दैट इज़ अनदर कॉन दैट आई वुड से अलॉन्ग अलॉन्ग विद दिस हीटिंग थिंग, जिसकी वजह से एक्चुअली दिस हीटिंग इज़ एन इश्यू विद दिस लैपटॉप कि थोड़ा सा गर्म हो सकता है. तो वट आई वुड सजेस्ट इज़ कि आप लोग एक साथ में कूलिंग पैड ऑर्डर कर दें. मैंने भी कल ही ऑर्डर करा है. 800-900 रुपये का कूलिंग पैड आता है जिसके ऊपर रख के आप इसको यूज़ कर सकते हो, एंड दैट हेल्प्स आपके लैपटॉप को कि इट डज़ नॉट गेट ओवर हीटेड. तो वो उसमें एक फ़ैन होता है वो आपके लैपटॉप को जो है वो कूलिंग के लिए हेल्प करेगा. तो दैट इज़ वन थिंग दैट आई फील दैट यू शुड डू फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन. ऑब्वियसली कोई भी लैपटॉप परफेक्ट नहीं होता, किसी में कुछ ना कुछ प्रो, किसी में कुछ ना कुछ कॉन ज़रूर होता है. थर्ड थिंग अलॉन्ग विद दिस हीटिंग इज़ इफ़ यू सी हियर, आई डोंट नो इफ इट विल बी विजिबल टू यू इन दिस वीडियो, बट इस पूरे वेंट के अंदर सिर्फ एक फ़ैन है जो कि यहाँ पे है. यहाँ पे कोई फैन नहीं है, ये पूरा ब्लॉक जो है इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक फैन है इस पर्टिकुलर एरिया में. एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे सिर्फ एक वेंट है जो कि ओपन है और दूसरा वेंट जो है वो कि फुल्ली क्लोज्ड है. तो अगर आप देखेंगे तो ये एक वेंट जो है ये तो ओपन है, बट ये वाला जो वेंट है ये एकदम हार्ड क्लोज्ड है. तो दैट इज़ बिकॉज आई चेक इट, मैंने कस्टमर केयर से बात करी थी, मैंने लोगों से भी पूछा था. तो दिस इज़ ओनली बिकॉज यहाँ पे, सॉरी हाँ, यहाँ पे फ़ैन है. तो यहाँ पे फ़ैन है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर जो भी वेंट है उसके थ्रू ये एयर डिसिपेट करता है, और इस पर्टिकुलर इस एरिया के अंदर कुछ नहीं है, इज जस्ट दीज आर जस्ट द स्टैम्प्स और ये सब है. तो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग विद दिस लैपटॉप जो कि मैंने सोचा कि आपको बताना बेटर रहेगा, क्योंकि जिस दिन मैंने लिया था आई वॉज थिंकिंग कि ये एक वेंट ब्लॉक्ड क्यों है, एक वेंट ओपन क्यों है, तो आई गॉट वरीड अबाउट दिस, बट टर्न्स आउट दिस इज हाउ इट इज मेंट टू बी. ये ऐसा ही होने का इसका प्लान है. तो हाँ, कुल मिला के ये नेटपिक्ड कॉन्स है मेरे पास इस लैपटॉप के. अदर देन दिस मुझे लैपटॉप बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, परफॉर्मेंस वाइज, लुक वाइज, फील वाइज, यूसेज वाइज, एवरी सिंगल थिंग इज़ रियली गुड. कॉन्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि बैटरी बैकअप और हीट डिसिपेशन का थोड़ा सा है. बैटरी बैकअप अगेन मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा थी, बट हाँ, 5 से 5.5 घंटे का बैकअप दे रहा है ये, तो इट्स स्टिल डिसेंट बैकअप आई वुड से. एंड हीट डिसिपेशन का आई थिंक इट्स अ माइनर थिंग. तो अगेन आप एक कूलिंग पैड ऑर्डर कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपने 60,000, 70,000, 80,000 तक का आपने वैल्यू इन्वेस्ट किया है, तो अगेन आप 1,000 रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं टू गेट दैट कूलिंग पैड, ताकि आपके लैपटॉप की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए. तो ऑन एंड ऑल ये थी हमारी प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट. तो वर्डिक्ट पे अगर आते हैं हम, तो मेरे हिसाब से अगर आपका प्राइस ब्रैकेट है 55 के ऊपर, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप डेल वोस्ट्रो 5410 ऑर्डर करें, कोई भी वेरिएंट हो. अगर आपका यूसेज ज़्यादा नहीं है तो आप i5 वेरिएंट ऑर्डर कर सकते हैं विच स्टार्ट्स विद 60,000. अगर आपका हैवी यूसेज है लाइक मी, तो आप i7 वाला वेरिएंट यूज़ कर सकते हैं जो 80,000 के आसपास पड़ता है, मतलब डिस्काउंट वगैरह लगा के, कार्ड डिस्काउंट या अमेजॉन वाउचर वगैरह यूज़ करके. तो आई थिंक इट्स वर्थ इट, पूरा फुल ऑन वैल्यू फॉर मनी है ये डिवाइस, तो आप डेफिनेटली ऑर्डर कर सकते हैं. अब डिस्कस करते हैं, जैसे हमने बात करी थी वीडियो स्टार्ट होने के टाइम की, हम लास्ट में आपको एक टिप बताएंगे जिससे आप इसमें एडिशनल 1,000 रुपीज़ का कैशबैक जो है वो इसमें अर्न कर सकते हैं आप. तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक सेकेंड में ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ. तो आपको सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगा. सबसे पहले आपको इस लिंक पे जाना है. ये डेल का ऑफिशियल लिंक ही है. इट्स जस्ट कि ये हमने शॉर्टन किया हुआ है, और क्योंकि आप ये लिंक यूज़ करेंगे तो डेल नोज कि दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव कम अप फ्रॉम दैट यू हैव कम अप विद टॉकिंग टू अस.
कि हमारे चैनल के थ्रू आप इस लिंक के थ्रू आए हैं। तो जैसे आपने वो लिंक खोला, आप डेल की वेबसाइट पे आएंगे। डेल की वेबसाइट पे आने के बाद आप नॉर्मल जहाँ पे भी जाना चाहें, अगर आप होम लैपटॉप ऑर्डर करना चाहते हैं, बिजनेस लैपटॉप ऑर्डर करना चाहते हैं, जो भी है आप ब्राउज कीजिए इस वेबसाइट पर आराम से, और फिर उस प्रोडक्ट को ऐड करके और चेकआउट कर लीजिए। दैट इज स्टेप नंबर वन। इसमें कुछ प्रिकॉशंस है जो कि मैं बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहले कार्ट जो है वो आपका वो एम्प्टी होना चाहिए इस लिंक पे क्लिक करने से पहले। दैट इज नंबर वन। सेकेंड थिंग इज कि इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको उसी सेशन के अंदर आपका परचेज कंप्लीट करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने अभी लिंक पे क्लिक करा, फिर आपने ब्राउजर क्लोज कर दिया, फिर आपने 2 दिन बाद ब्राउजर ओपन करा और फिर आपने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया। अगर आपने वैसा किया तो ये ऑर्डर जो है वो हमारे पास ट्रैक नहीं होगा और हमें नहीं पता चल पाएगा कि आपने कुछ ऑर्डर प्लेस किया है या नहीं किया, तो हम उस पर कैशबैक जो है वो भी हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है कि कार्ट जो है वो एम्प्टी रहे। एंड सेकेंड थिंग इज कि आप जैसे ही इस लिंक पे आए उसी सेशन के अंदर आप अपना प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर कर दें। सिंपल प्रोडक्ट जैसे सिंपल आप ऑर्डर करेंगे वैसे ऑर्डर करना है, कुछ नहीं है। बस ये लिंक पे क्लिक करके आपको इसकी वेबसाइट पे आना है और फिर आप जैसे भी नॉर्मल फ्लो से अपना लैपटॉप जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के जस्ट बाद आपको ये दूसरा लिंक है गूगल फॉर्म का, जो कि अगेन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस पर आपको आना रहेगा। इस गूगल फॉर्म में आने के बाद आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर फिलअप करना है। आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस जो कि हम यूज़ करेंगे कम्युनिकेशन के लिए, जिससे हम आपको डिटेल सेंड करेंगे कि आपका ऑर्डर जो है वो कंफर्म हो गया है, ट्रैक हो गया है, एंड आपका प्रॉफिट जो है वो कैसे डिस्पैच होगा वगैरह वगैरह। इस क्वेश्चन में आप बताएंगे कि आपने कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, डेट ऑफ द ऑर्डर, एंड देन ट्रांजैक्शन आईडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ऑर्डर प्लेस होते ही आपको डेल की वेबसाइट से एक ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगी जो कि वुड लुक समथिंग लाइक दिस, IN6000 समथिंग 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 लाइक दिस। तो वो ट्रांजैक्शन आईडी एंड देन द ऑर्डर अमाउंट जो कि आपने पे किया है फॉर दिस ऑर्डर। तो ये सब डिटेल्स आप फिल इन करके सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे हमारे पास आपकी डिटेल्स आ जाएगी और हम आपको एक कॉन्फर्मेशन भेज देंगे आपके सबमिटेड ईमेल एड्रेस पे कि आपका ऑर्डर ट्रैक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो बाय व्हाट टाइम फ्रेम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपका कैशबैक, आपका रिवॉर्ड। कैशबैक की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बोला कि जो स्कीम है, वी आर गिविंग यू अ कैशबैक वर्थ अप टू ₹1,000। अगर आपका ऑर्डर वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो विल डिसबर्स अ कैशबैक ऑफ ₹1,000 टू यू, एंड अगर आपका ऑर्डर वैल्यू 25,000 से ऊपर है तो विल डिसबर्स अ कैशबैक ऑफ अमाउंट ₹500। ₹500 का और ₹1,000 का कैशबैक जो है वो हम ऑफर कर रहे हैं इस डील के थ्रू। अगेन ऑर्डर वैल्यू जो है वो मिनिमम 25,000 होना चाहिए। अगर 25,000 से कम है तो इसमें कोई कैशबैक नहीं है। एंड ऑल्सो इट्स नॉट अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे कुछ नहीं है। जो भी इंसान ऑर्डर करेगा उसको ये कैशबैक मिलेगा। इट्स नॉट लाइक कि पहले 5 कस्टमर्स को मिल रहा है या पहले 10 कस्टमर्स को मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, पहले 5 कस्टमर्स के लिए हमारे पास एक एडिशनल स्कीम है जो कि है 100% रिवॉर्ड। दैट इज अगर आप फर्स्ट 5 कस्टमर्स हैं तो हम आपको आपकी वैल्यू पे 100% कैशबैक देंगे। यानी अगर आपने 50,000 से ऊपर का ऑर्डर किया तो हम आपको ₹1,000 के कैशबैक की जगह ₹2,000 का कैशबैक देंगे। अगर आपने 25,000 के ऊपर का ऑर्डर किया तो हम आपको 500 की जगह ₹1,000 का कैशबैक देंगे, मतलब डबल कैशबैक। तो ये ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 5 कस्टमर्स के लिए है, 5 ऑर्डर प्लेस्ड के लिए है। बाकी सभी के लिए रेगुलर रिवॉर्ड सिस्टम जो कि ₹1,000 और ₹500 है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस हैं इस लैपटॉप से या इस ऑफर से रिलेटेड कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो पाया मैं रिप्लाई करूंगा। कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चंस आप ऑनेस्टली पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन ज़रूर था, मुझे याद आया, हमारे अनबॉक्सिंग वीडियो में किन्नी ने एक क्वेश्चन किया था कि इस लैपटॉप के अंदर रेड कलर जो है वो क्लीन नहीं दिखता है। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या रेड कलर क्लीन नहीं दिखता, क्योंकि उनको कहीं से पता चला था। बट मैं इस लैपटॉप को ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें डिस्प्ले का कोई इशू नहीं है। कलर सैचुरेशन, कलर विजिबिलिटी का कोई इशू नहीं है। रेड रेड ही दिखता है, ऑरेंज नहीं दिखता है। वो चीज़ बहुत सही है। और डिस्प्ले के सेक्शन में मैं बताना भूल गया था, इसकी ब्राइटनेस जो है वो 300 निट्स है, तो इट्स लाइक रियली रियली ब्राइट। तो वो भी एक प्रो, जो डिस्प्ले डिस्प्ले के प्रो की हमने बात करी थी, तो वो भी डेफिनेटली एक प्रो है जो कि मैं बताना भूल गया था। तो
हाँ बस आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जितना हो सके अगर आपके कोई दोस्त, कोई भी रिलेटिव डेल का लैपटॉप या कुछ भी ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो उनको इस वीडियो पर रेफ़र कीजिए, उनको इस स्कीम के बारे में बताइए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी की हेल्प कर सकें। जितना जितना आपका खर्चा कम होगा उतना ही हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा, यू नो। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय।